हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप ये मान लीजिए कि ये हमारा जो सॉलिड स्टेट है, तो दो क्वेश्चन आपके नीट में और एक क्वेश्चन आपके आईआईटी में। क्लियर? मतलब कि इससे आते ही आता है, और पूरी केमिस्ट्री का, जितनी भी केमिस्ट्री है आपका, 11th और 12th, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन है ये आपका सॉलिड स्टेट है। मतलब आप ये चाहो, यदि आप किसी चीज को सोच सकते हो, आप किसी चीज का इमेजिनेशन कर सकते हो, मतलब ये हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। क्लियर? यदि आप किसी चीज का अपने दिमाग में इमेज बना सकते हो, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने बोला, तो जैसे मैंने बोला बाइक, इमेजिनेशन आया, दो पहिए, हैंडल, स्टेयरिंग, टंकी, ठीक है? और मतलब ऐसे आपको यहाँ पे मेनली इमेजिनेशन करना है। जैसे मैंने बोला माचिस, तो आपको इमेजिनेशन हो गया कि वो टू सिक्स फेस हो गए, कॉर्नर और ये सारी चीजें। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मेनली इमेजिनेशन। मैंने बोला यार कि पेन, तो आपके इमेजिनेशन में आ गया कि हाँ पेन है जिससे हम रजिस्टर में लिखेंगे और ये सारी चीजें। मतलब कि इस चैप्टर में आपको मेनली इमेजिनेशन वाली चीजें करना है। तो यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ। तो सॉलिड स्टेट में यदि हम नॉर्मली स्टेट की बात करें, यदि हम नॉर्मली स्टेट की बात करें, तो आप लोग नॉर्मली तीन स्टेट स्टडी करते हैं। हम क्या क्या पढ़ते हैं? पहले देखते हैं हम सॉलिड, सॉलिड के बाद हम देखते हैं लिक्विड, लिक्विड के बाद हम देखते हैं गैस। ठीक है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या देखते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यदि हम इन तीनों को देखा जाए, तो जो गैस है, तो गैस को हम नॉर्मली 11th में केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बहुत डिटेल से पढ़े होंगे आप लोग 11th फिजिक्स में। क्लियर? उसके बाद यदि आप लोग बात करो लिक्विड का, तो हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में, और हम सॉलिड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। क्लियर? जो भी सॉलिड के बारे में होगा, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब यदि हम नॉर्मली बात करें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीज होती क्या है, तो यहाँ पे हम आपसे एक चीज डिस्कस करेंगे, डेंसिटी। ठीक है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि हम सॉलिड की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने एक फिक्स एरिया ले लिया सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, मैंने तीनों का एक फिक्स एरिया ले लिया, एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, यहाँ 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 इन तीनों का सेम वॉल्यूम ले लिया। अब यदि हम बात करें कि यदि इस वॉल्यूम में सॉलिड के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए, ये गैस के पार्टिकल्स हो गए। क्लियर? अब यदि हम बात करें सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे ज्यादा है। क्लियर? यदि हम बात करें पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ बहुत कम है। क्लियर? अब सेम एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इससे कम ये, इससे कम ये, मतलब जो ज्यादा हार्ड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू इससे, कंपेयर टू इससे। यदि हम डेंसिटी की बात करें, तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। यदि हम बात करें जैसे लिक्विड, तो लिक्विड में भी अलग अलग डेंसिटी हो सकती है। आप ऑयल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, तो ऑयल की डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा होगी, मतलब कि ऑयल्स के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा पास पास रहेंगे। अब एक चीज और याद रखिए, जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा होगा। क्लियर? मतलब इसका इंटर मोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? एक ये पार्टिकल्स है, एक ये पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब इन दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, इन दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, मतलब जो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स
इसमें ज्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। क्यों यहां ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा इसलिए है कि यहां पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है। क्लियर? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है, मतलब ये देखिए, ये पार्टिकल्स, तो ये ए के पार्टिकल, तो ये दोनों पार्टिकल पास पास हैं। इस वाले में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इस वाले में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और ज्यादा दूर है। क्लियर? तो यदि हम बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं। यदि यहाँ बहुत पास पास पार्टिकल हैं तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स, डिस्टेंस कम है सॉरी, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। मतलब कि यदि दो पार्टिकल पास पास रखे हुए हैं, दो पार्टिकल पास पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा तेज रहेगा। मतलब कि जैसे देखिए, हम यदि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो ये दो पार्टिकल इतने दूर में हैं तो इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू इतना, कंपेयर टू इतना। मतलब आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कमजोर होता जाएगा। क्लियर? जैसे हम नॉर्मली किसी डंडी की बात करें, जैसे अपने पास एक डंडी है, क्लियर, वुड लकड़ी की, तो हमने क्या किया, यदि मैं एक छोटी सी डंडी आपको दे दूं तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सेम विड्थ की यदि हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें इजिली टूट जाएगा, और बड़ा कर दें तो और इजिली टूट जाएगा। मतलब कि यदि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हो गया। अब जिसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कम होगा, ये डिफ्यूज कम होगा, इसका डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा। मतलब कि यदि आप सिक्के ले लो, कॉइन ले लो जो कि सॉलिड है, आप 20 कॉइन कहीं पे पटक दो, उसका डिफ्यूजन नहीं होगा या बहुत कम होगा। क्लियर? लिक्विड का थोड़ा डिफ्यूजन होगा, कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा डिफ्यूजन होगा, गैस का तो बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होगा। क्लियर? यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा सॉलिड स्टेट का इंट्रो। लेकिन अब हमको यहाँ स्टडी करना है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, किसकी स्टडी करना है, सिर्फ सॉलिड की। तो हम सबसे पहले सॉलिड की डेफिनेशन देखेंगे। तो सॉलिड की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं की बात करें, तो हम बोल सकते हैं शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। क्लियर? यदि शेप, साइज एंड वॉल्यूम, शेप साइज एंड वॉल्यूम, यदि शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों चीज यदि फिक्स है तो वो सॉलिड कहलाता है। क्लियर? जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि मैंने कहीं पे रख दिया, क्लियर, तो ये मार्कर जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स है, मतलब ये सॉलिड है। अब किसी एक गिलास में पानी लो, उस गिलास के पानी को कप में डालो, तो पहले उस पानी का शेप कैसे था, गिलास के जैसा, लेकिन जैसे आप उसने कप कप में डाले तो उसका साइज कैसा हो गया, कप जैसे हो गया, तो उसका पानी का लिक्विड का साइज चेंज हो गया ना, शेप चेंज हो गया। गैस, अब जिस पोर्ट में गैस को लोगे वो उस शेप का अपना शेप हो जाएगा उसका। क्लियर? मतलब कि जो हमारा लिक्विड और गैस हो वो जैसे है, अपना साइज और शेप चेंज करते रहते हैं। क्लियर? लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं है, सॉलिड उसका साइज, शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा। क्लियर? तो ये होता है हमारा सॉलिड। अब हमको इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके पहले देखेंगे प्रॉपर्टी। क्लियर? तो हम हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लियर? यदि हम सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, तो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी सॉलिड का, वेरी लेस रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होगा, मतलब सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा, ये फैलेगा नहीं। क्लियर? दूसरा यदि हम बात करें, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आपको सॉलिड को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है? मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हाई बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझिए, जैसे आइस है उसको मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करना मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और वाटर है वाटर को बॉईल करके वेपर बनाना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्लियर। फिर हार्ड वेरी मोर हार्डनेस, ठीक है हार्ड रहेगा बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा तो हार्डनेस ज्यादा रहेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हार्ड रहेगा। क्लियर। फिर फिक्स्ड वॉल्यूम शेप, वॉल्यूम और शेप फिक्स रहेगा, स्ट्रक्चर रेगुलर रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्लियर। ये हो गया सॉलिड की प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारी है प्रॉपर्टीज हैं तो आपको इतनी प्रॉपर्टीज याद रखना है सॉलिड की। उसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड के टाइप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड। हम बात करेंगे आपसे सॉलिड के टाइप्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड, यहाँ पे जो सॉलिड के टाइप्स हैं वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर। एक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम देखेंगे कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्लियर। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक और चीज, अब यदि हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर। मतलब जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसीलिए इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, एक नाम और बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। क्लियर। इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। यदि हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड की बात करें, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक ये पार्टिकल है, 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 एक ये पार्टिकल, सॉरी, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। क्लियर। फिर एक ये पार्टिकल है, 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 ये पार्टिकल है। क्लियर। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये। अब यदि हम बात करें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका अरेंजमेंट एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, ये क्लियर, एक सिस्टमेटिक रेंज ऑर्डर में है, या तो ये बाई एक्सिस में है या तो एक्स एक्सिस में है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। अब यदि हम इधर बात करें नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब ये एक अरेंजमेंट में है ना, ये एक नॉन रेगुलर है, या तो एक्स मतलब ये मतलब कि ये अरेंजमेंट इसका जो है, जो इसका रेगुलर अरेंजमेंट है, इसका जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है। क्लियर। एक ऑर्डर ये, एक ऑर्डर ये, क्लियर, ऐसा है। लेकिन यदि हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो इसका क्या हो जाएगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूंट, रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर। मतलब कि जो नॉन क्रिस्टलाइन है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कि इसका फिक्स नहीं है कि ये एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है,
तो हम इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोलेंगे, मतलब कि ये कहीं भी होंगे। इसका देखिए कोई भी चीज फिक्स नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, मतलब इसका कोई भी चीज यदि फिक्स नहीं है तो वो हमारा हो जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। और इसी सॉलिड का एक और नाम है एमोर्फस सॉलिड, क्लियर। क्या नाम है इसी का? एक और नाम है एमोर्फस सॉलिड, और इसका एक नाम है ट्रू सॉलिड। इसका एक और नाम क्या है? ट्रू सॉलिड। और इसका एक और नाम है एमोर्फस सॉलिड, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड के साथ साथ हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं, फॉल्स, फॉल्स सॉलिड भी बोल सकते हैं, क्लियर। ये हो गया हमारा। इसके बाद यदि हम देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प फिक्स्ड, क्लियर, मतलब कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, क्लियर। कैसे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोल दिया किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोल दिया? किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्रिस्टेलाइन सॉलिड है तो 120 डिग्री में कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड में कंप्लीट और एक साथ मेल्ट हो जाएगा, क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस ले लिए, इस सब्सटेंस को यदि आपने मेल्ट किया तो 120 डिग्री में कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, क्लियर। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में फिक्स होता है, एक रेंज में फिक्स होता है, या मेल्ट है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका एक रेंज में फिक्स होता है या फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हो, कोई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा 122, ऐसे ले लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 100 to 120। मतलब कि जैसे आप यहाँ प्लास्टिक ले रहे हो, प्लास्टिक हमारा क्या है, नॉन, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन है, आप प्लास्टिक ले रहे हो, तो यदि आप प्लास्टिक ले रहे हो तो जो प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट है, तो रियल में जो हमारे प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से मेल्ट होना स्टार्ट होगा, 120 तक जाके पूरा मेल्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेल्ट होना 100 से स्टार्ट हुआ है, हो कहाँ तक गया, 120 तक, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो मेल्ट हुआ 100 डिग्री में कंप्लीट मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन इस वाले में यदि किसी का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो जितना आप टेम्परेचर दोगे उतने में वो मेल्ट हो जाएगा, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस का मैंने बोला 120 डिग्री मेल्ट है, मतलब 120 में कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इसका यहाँ पे किसी का 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है तो 100 में मेल्ट नहीं होगा, वो 100 से 120 में जाके मेल्ट होगा, क्लियर, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन नॉन के, हमारा होता है एन आइसो टॉपिक चार, ये होता है एन आइसो टॉपिक इन नेचर, क्लियर। मतलब ये नेचर में एन आइसो टॉपिक होता है, और यदि हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो होता है आइसो टॉपिक इन नेचर, क्लियर। मतलब कि ये हमारा एन आइसोटॉपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एन आइसोटॉपिक इन नेचर मतलब क्या, मतलब कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मैं बोला ये पार्टिकल्स हैं, क्लियर। अब यदि हम बात करें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि ये हमारा हो गया मान लीजिए एक्स एक्सिस,
ये हो गया हमारा मान लीजिए वाई एक्सिस, क्लियर। तो यदि हम बात करें इस एक्सिस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इस एक्सिस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और इस एक्सिस की मतलब वाई एक्सिस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और आप देख रहे हो तो इनका डायरेक्शन भी डिफरेंट है। इसका डायरेक्शन है वाई एक्सिस, इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, मतलब कि जो एन आइसो, लोग क्या करते हैं एन आइसो को एमोर्फस से जोड़ते हैं, लोग एन आइसो को एन है ना एमोर्फस से, ए ए नहीं ऐसा नहीं है, याद रखिएगा एन आइसोटॉपिक इन नेचर, मतलब कि इसका होगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और डायरेक्शन डिफरेंट होगा। कैसे? ऐसे, मतलब इसका डायरेक्शन देखिए एक्स एक्सिस है या कि वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस वाले पार्टिकल्स का नेचर मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसी तरह यदि हम बात करें आइसोटॉपिक इन नेचर, तो आइसोटॉपिक इन नेचर में कोई सा भी मैंने पार्टिकल ले लिया, कैसे भी मैंने पार्टिकल ले लिया, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन से कट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से आप कट कर सकते हो, मतलब इसका होगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन, क्लियर। मतलब कि आइसोटॉपिक सोल्यूशन का डायरेक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट यदि हम एन आइसोटॉपिक इन नेचर की बात करें, तो एन आइसोटॉपिक में इसका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्लियर। तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक और हम यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कूलिंग कर्व की बात करूं, यदि मैं कूलिंग कर्व की बात करूं तो इसका जो कर्व बनता है वो रहता है इरेगुलर, बट इसका जो कर्व रहता है वो रहता है रेगुलर। कैसे? हम इसके लिए एक ग्राफ समझेंगे, क्लियर। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, यहां ले लेते हैं फेस, क्लियर। अब यदि आप ये वाला पॉइंट, मतलब कि यदि हम एग्जाम्पल वाटर को लेके चलें, यदि हम एग्जाम्पल वाटर को लेके चलें, तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, इस पॉइंट के यदि आप ऊपर दोगे तो यहाँ पे वेपर बनेगा, मतलब कि ये वाला हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप वाटर से यदि नीचे आओगे तो ये लिक्विड में रहेगा, मतलब कि ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहाँ रहेगा, लिक्विड में। अब ये यहां से हमारा लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है, लिक्विड से ये हमारा यहाँ लिक्विड से ये सॉलिड तक जाएगा, और इसके नीचे आप आओगे तो ये सॉलिड हो जाएगा, मतलब आइस हो जाएगा, मतलब कि ये 0 से कम, यानी कि आप नेगेटिव में जाओगे तो आपका ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मतलब लिक्विड आइस बन जाएगा। मतलब ऐसा हुआ कि ये टेम्परेचर देखो, पहले लिक्विड से 0 डिग्री तक लिक्विड रहा, ये लिक्विड से यहाँ पे ये सॉलिड रहेगा, लिक्विड मतलब 0 डिग्री में, 0 डिग्री से थोड़ी ऊपर जाओगे तो लिक्विड, थोड़ी नीचे आओगे तो सॉलिड, मतलब 0 डिग्री का आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों मिल सकता है, क्लियर हुआ। और आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपका हो गया सॉलिड, क्लियर। तो ये देखिए हमारा इरेगुलर ग्राफ बन गया, कैसा बन गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए इरेगुलर ग्राफ बन गया, बट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या होता है, टेम्परेचर मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं रहता, इसका कुछ ऐसे रेगुलर ग्राफ बनता है, क्लियर। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए रेगुलर ग्राफ बनता है, यहाँ का जो फेज कन्वर्ट होता है वो रेगुलरली होता है, लेकिन ये क्या होता है, इरेगुलर ग्राफ होता है, क्लियर। अब यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, तो यदि हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS, ZnCl2, ZnS, क्लियर। ये हो गए इनके एग्जाम्पल, यदि हम इधर एग्जाम्पल लें तो इधर हो जाएगा रबर, प्लास्टिक, ग्लास, है ना, इधर हो गया रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, प्रोटीन, क्लियर। तो ये इधर के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं सिलिका, क्या सिलिका, सिलिका SiO2, ये इधर का बहुत बार एग्जाम्पल आता है, और इधर सिलिकॉन SI,
ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं, क्लियर। अब चलो एक चीज और हम यहाँ पे ग्लास को लेके एक चीज और बताएंगे कि जैसे हम इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ऐसे हम इसको फॉल्स सॉलिड या इस क्रिस्टलाइन को हम बोलेंगे क्या, स्यूडो सॉलिड। हम इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं समझिएगा, इसके लिए हम स्यूडो सॉलिड के लिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लास। जैसे आपने नोटिस किया होगा ग्लास एक सॉलिड पार्ट है, क्या है, एक सॉलिड। लेकिन यदि आप अपने घर में कोई गिलास है जो 3-4 साल की गिलास है, उसको यूज करते करते ऊपर वाला जो कॉर्नर होता है थीन हो जाता है, नीचे वाली मोटी हो जाती है, गिलास का नीचे वाला जो पार्ट होता है मोटा हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट थीन या पतला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लास है ये स्यूडो सॉलिड है, रियल में सॉलिड नहीं। टाइम होते 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 उसमें कन्वर्जन हो गया, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आ जाती है, इसलिए इस तरह के सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड भी बोलेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब ट्रिक है, क्लियर, एक बहुत अच्छी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अब आपके एग्जाम में इनका आता है एग्जाम्पल, मेन जो एग्जाम में वो अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके मेन एग्जाम्पल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है क्या, एग्जाम्पल। तो हम इसके लिए एक बताएंगे आप लोगों को, एम ट्रिक बाई बीपी, क्लियर। एम ट्रिक देखेंगे, ट्रिक क्या है, मतलब मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे एग्जाम्पल नोट हो याद हो जाएंगे। तो हमारा ट्रिक ये है, जिसका फार्मूला मुंह से बोल पाए वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका नहीं बोल पाए वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको एकदम बहुत खतरनाक कर लो, जितना आपने एग्जाम्पल के लिए फोकस करोगे कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम्पल कभी याद नहीं होंगे, आप इसको बहुत अच्छे से नोट